यह है कि ये तकरीबन 200 के हैं और ये 240 के, 240। नहीं होगी तो कह देंगे वफादारी नहीं होती, मगर मोहब्बत में हमसे अदाकारी नहीं होती। इन बातों से मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, सोच रही हूँ किचन से बाहर चली जाऊँ। अब मैं वाकई किचन से बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन बातों पे गुस्सा चढ़ता है। ये गरीबों के चरगोजे हैं, गरीबों की मूंगफली है, मुझे तो बहुत पसंद है, जो भी है ये चाहे खाती हूँ। सुबह नाश्ते में मैं खाती हूँ रस्क, और ये है रस्क जो मेट्रो से लाए हैं और ये शेजान बेकरी से। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये तकरीबन 200 के हैं और ये 240 के, 240 के, ये महंगे हैं। हाँ, मगर इसमें जो टेस्ट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे तो सदियों से इनकी रेसिपी लॉक्ड होती है। इसमें ये है, जैसे आप पढ़ सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, कंडेंस मिल्क यूज़ होता है इसमें और गंदम का आटा है। इसमें है गंदम का आटा, कंडेंस मिल्क, ब्रेड, शुगर, सॉल्ट, यीस्ट, वनस्पति, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें लिखा है कि इसमें है फ्लावर यानी कि मैदा, और इसमें वेजिटेबल ऑयल, इसमें है यीस्ट और क्या है शुगर। मेरी प्रोफेसर ने मुझे बताया था अपनी डाइट चार्ट, उसमें उन्होंने बताया कि रस के साथ डाइटिंग करती है, लेकिन जहाँ यीस्ट और मैदा हो वहाँ कहाँ डाइटिंग होती है। मेरी प्रोफेसर, ओहो, व्लॉग देखी होंगी, बहुत अच्छी डाइट बताई है उन्होंने। पता नहीं आज मेरा शेर व शायरी का इतना दिल क्यों कर रहा है। सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके मैंने खुद को रखा है फिकत तुम्हारा करके। तुम्हारे और मेरे नज़रिए में यही फ़र्क था, तुम वक्त गुजारना चाहते थे और मैं ज़िंदगी। वैसे मुझे तो कभी मोहब्बत हुई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, कुछ कहते हैं कि लड़के धोखेबाज होते हैं, पता नहीं लड़कियां बेवफा होती हैं या लड़के। नहीं होगी तो कह देंगे वफादारी नहीं होती, मगर मोहब्बत में हमसे अदाकारी नहीं होती। वाह, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर लो, तारीफ पे तारीफ, मुलाकात तो होगी। आज घर पे मेहमान आ रहे हैं तो मैं अपनी अम्मी के साथ बाहर बाजार आई हुई हूँ। वाह वाह वाह, क्या क्या सेल चल रही है भाई। वैसे तो महंगाई के दौर में ये भी सेल मुझे काफ़ी नहीं लग रही। आज जो मेहमान आ रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान आ रहे हैं। यहाँ पर बन रहे हैं सैंडविचेस सबवे के स्टाइल के, अंडे हैं, चिकन है, ये केचप है उसकी, और ये ज़बरदस्त यमी यमी सैंडविचेस। वैसे मुझे सैंडविचेस के साथ कोल्सलो बहुत पसंद है। ना सिर्फ ये बल्कि दही भल्ले भी बन रहे हैं। वैसे मैं तो दही भल्ले कहती हूँ, पता नहीं दही भल्ले सही होता है या दही भड़े। और साथ में ये ज़बरदस्त मीठी चटनी भी है। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है मुझे। वैसे दावत के खाने के मज़े के साथ साथ बर्तनों का भी वक्त होता है बाद में। मेहमानों के आने पर इतनी गहमा गहमी, इतनी अफरा तफरी हुई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या करना। भी अम्मी ने कहा दही खट्टी है, मैंने कहा अम्मी खट्टी नहीं, खट्टा होता है खट्टा। फिर कहती प्याज काटी है, मैंने कहा प्याज काटा है, काटा है। इन बातों से मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, सोच रही हूँ किचन से बाहर चली जाऊँ। अब मैं वाकई किचन से बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन बातों पर गुस्सा चढ़ता है। मुझे नहीं पसंद जब आप खाने पीने की चीज़ों का या किसी भी चीज़ का जेंडर बदलो। वापस किचन में आई हूँ, सोचा है कि कुछ कमरे में बैठ के कुछ खा पी लूँ क्योंकि मेहमानों के आने में टाइम है। अरे मसालों की अलमारी में ये सोप क्या कर रही है इधर? ये साबुन कौन रखता है मसालों की अलमारी में? बहरहाल उफ, ये देखो इसलिए खाने में जायके नहीं आते, ये ऊपर नीचे करके पड़ा डब्बा। नेशनल शान, ओहो, इसका मतलब हम बड़े मुनाफिक निकले, शान का मसाला भी इस्तेमाल करते हैं और नेशनल वालों का भी। वाह वाह वाह, हाँ बहरहाल मैं क्या करने आई थी, मैं आई थी ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी फ्रेंड कहती है कि ये गरीबों के चरगोजे हैं, गरीबों की मूंगफली है, मुझे तो बहुत पसंद है, जो भी है ये चाहे खाती हूँ।
दावत का तो बहुत मज़ा आया, लेकिन रात को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं सिद्दीक कबाब खाने गई उसके साथ। वैसे मुझसे ज़्यादा तो वो चटखोरी है। ये सब खाने के बाद मीठा खाने की भी गुंजाइश थी उसमें। खैर मैंने तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन दो खाए थे बहुत शौक से। मुझे लाइट वाला गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है, डार्क ब्राउन नहीं। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को डार्क ब्राउन पसंद है। और ये था मेरा आज का वीलॉग। मैं छोटे छोटे वीलॉग्स इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद छोटे वीलॉग्स देखने का मज़ा आता है। होती आपसे मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीलॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।